स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, अब तक हमने जिन पाठों को पढ़ा उसमें हमने कविताएं पढ़ी, कहानी पढ़ी और हमें बहुत सारी सीख मिली। आज भी हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिससे हमें बहुत सारी सीख मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें हम इस कहानी से सीख सकते हैं। ये कहानी है पाठ 5 पागल हाथी आपकी कोर्स बुक गुलमोहर से। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं कुछ विषयों पर बात करना चाहूंगी। हमारा सबसे मुख्य विषय यानी हमारे कहानी का मुख्य पात्र हाथी, इस पर बात करते हैं। हाथी, हाथी क्या होता है आप सभी जानते हैं। हाथी एक जंगली जानवर है और कुछ लोग उसे पालतू भी बनाते हैं। आप सड़क पर, आपने, आप में से कई बच्चों ने हाथी की सवारी की होगी सड़क पर। बचपन में सभी को अच्छा लगता है हाथी की सवारी करना। वैसे भी हाथी बहुत ही शांति प्रिय जानवर होता है। हाथी बहुत शांति प्रिय जानवर होता है। उसे, उसका मुख्य मूलतः जो उसका स्वभाव होता है वह बहुत शांति प्रिय होता है। उसे शांति बहुत पसंद है, पर जब वह थोड़ा चिढ़ जाता है, क्रोध में आ जाता है, वैसे भी क्रोध करना बुरी बात होती है, गुस्सा होना बुरी बात होती है, पर जब वह थोड़ा क्रोधित हो जाता है तो वह शेर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वह इतना हड़कंप मचाता है, इतना तूफान मचाता है, इतना उत्पात मचाता है कि वहाँ के आसपास के जो माहौल होते हैं वो पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो हम जानेंगे हाथी के विषय में। और उससे पहले ये एक विषय हमारे सामने आया, क्रोध। क्रोध क्या है बेटा? गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है। हम बड़े भी करते हैं, आप बच्चे भी कई बार करते हैं, पर बेटा गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चों, हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में, क्रोध के समय किया गया फैसला या उठाए गए कदम हमेशा ही गलत होते हैं, क्योंकि हम ठीक से सोच समझ नहीं पाते कि यह रास्ता सही है अथवा गलत है, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में हमें सबसे पहली सीख तो यह मिलेगी कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है घमंड। इस कहानी में इस हाथी ने, जो हमारा मुख्य किरदार है इस कहानी का, इसे क्रोध भी आया और इसने घमंड भी किया। और बच्चों, हमें किसी भी बात पर, चाहे हम बहुत गुणवान हों, चाहे हम बहुत रूपवान हों, चाहे हमारे पास बहुत ज्ञान हो, हमें अपने किसी भी, या हमारे पास कोई खास वस्तु हो, तो भी हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हमारी विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब कुंठित हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं, सब दूषित हो जाते हैं। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास यदि कोई ऐसी वस्तु है जो कि अनमोल है, तो हमें उसका महत्व रखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी चीज है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की सहायता में उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, चाहे हमारा रूप हो, हमारे गुण हो, हमारी बुद्धि हो, या हमारे पास मौजूद कोई भी सामान, तो हमें उससे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी में हाथी को गुस्सा भी आया और हाथी ने घमंड भी किया। ये दो चीज़ें तो सीख मिल गई बच्चों हमें। अब आप हाथी के विषय में बात कर रहे थे, हाथी के मुख्य, आपको पता चल गया कि हाथी का जो मूल स्वभाव होता है वो बहुत शांति प्रिय होता है, पर फिर भी जब कभी उसे क्रोध आ जाता है, क्योंकि बच्चों कहा ही गया है जानवर तो जानवर ही होते हैं, प्रेम दीजिएगा तो वो बदले में प्रेम ही देंगे आपको। बट कई बार ऐसा होता है कि उनके भी अंदर कुछ बदलाव होते हैं, या माहौल के कारण वो भी बिदक जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो उत्पात हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद देखा हो या ना भी देखा हो, तो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आप जैसे छोटे छोटे वीर बच्चे जो बहुत साहस पूर्ण कार्य किए होते हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
सम्मानित किया जाता है, उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ष 2009 में वर्ष 2009 तक उन बच्चों को हाथी के द्वारा, हाथी के ऊपर सजी हुई हाथी होती थी और उस पर बिठाकर उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड में, आपने गणतंत्र दिवस का परेड देखा है ना, गणतंत्र दिवस के परेड में उनको उस हाथी पर बिठाकर सम्मानित किया जाता था और उस परेड में शामिल कराया जाता था और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता था। पर वर्ष 2008 में ही ऐसा हुआ कि जब वो बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में हाथी पर बैठकर आए तो राष्ट्रपति महोदय के मंच के सामने ही दो हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो थोड़े बिदक गए, थोड़े रूठ गए। तो 2008 के तक तो बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड में हाथी पर शामिल कराया गया, पर उसके बाद वर्ष 2009 से इसे बंद कर दिया गया। अब खुली जीप में, जो ओपन जीप होती है, खुली जीप में बच्चों को बिठाकर और उन्हें परेड में शामिल कराया जाता है, क्योंकि जानवरों को भी सुरक्षित रखना है, वो इस भीड़ में शामिल होने से शायद उन ये इस तरह का उत्पात उन लोगों ने मचाया, तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी और दूसरे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसे बंद कर दिया गया। तो बच्चों, हमें पता चला क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें मालूम हुआ घमंड करना बुरी बात है, एक और चीज़ मालूम हुई कि हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब हम उन्हें प्रेम देंगे तो वो भी हमें बदले में प्रेम ही देंगे। तो गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में भी एक मुख्य बात आपको मालूम हुई कि गणतंत्र दिवस की परेड में वीर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए गणतंत्र दिवस की परेड में वीर बच्चों को सम्मानित किया जाता है और खुली जीप में अब किया जाता है, और वर्ष 2008 तक उन्हें हाथी पर, एक सजी हुई हाथी पर बिठाकर उन लोगों को परेड में शामिल कराया जाता था, जो कि अब बंद कर दिया गया। अब खुली जीप में उनको लेकर परेड में शामिल कराया जाता है। तो आए अब अपनी कहानी की तरफ। हमारी कहानी क्या है? ये कहानी पागल हाथी, एक मोती नाम के हाथी के ऊपर की कहानी है। वह कहानी एक राजा के दरबार में, राजा का प्रिय हाथी था वह, राजा को उसकी सवारी करना बहुत पसंद आता था, राजा उसकी सवारी करते थे और वह सभी जितने भी राजा के जानवर थे उन सब में मोती हाथी उनका सबसे प्रिय हाथी था, उसे बहुत प्यार करते थे राजा। तो राजा का प्रिय होने के कारण दूसरे लोग भी उसका अधिक सम्मान करते थे, अन्य जानवरों की अपेक्षा उनको, मोती को थोड़ा ज्यादा सम्मानित किया जाता था। इस बात का मोती के जो मोती हाथी था उसके दिमाग पर बुरा असर हुआ। उसे इस बात का बहुत घमंड हुआ कि भाई राजा तो मुझे बहुत प्यार करता है, राजा भी, मैं राजा का प्रिय हूँ, ये दूसरे लोग मेरे क्या हैं। इस घमंड के कारण जब उसके महावत ने उसे कंट्रोल करना चाहा, उसकी देखभाल करने के दौरान उस पर उसको संभालना चाहा, उसी में मोती को थोड़ा गुस्सा आ गया और मोती ने गुस्से में आकर महावत, अपने महावत को ही मार डाला। क्यों भाई? क्योंकि उसे तो बहुत घमंड था कि मैं तो कुछ भी करूँ, राजा तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने अपने महावत को ही मार डाला। अब इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने गुस्से में आकर मोती हाथी को जंजीरों से बंधा दिया, जंजीरों में बांध दिया। जंजीर लोहे का सिक्कड़, उसमें हाथी को बांध दिया गया और महल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। राजा न्याय प्रिय थे कि आप, तुमने अपने महावत को मार डाला तो तुम्हें महल से निकाल दिया जाएगा। और मोती जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जब मोती पहुंचा तो मोती को उसके मित्र मिलते हैं और उसके मित्र बहुत खुशी से उसे मिलने आते हैं और मिलने आने पर देखते हैं कि वो जंजीरों से बंधा है। तो मित्र समझ गए कि इसने जरूर कोई गलती की है जिसकी इसे सजा दी गई है।
और उसके मित्र भी उससे मुंह फेर फेर कर चले जाते हैं। मोती जंगल में अकेला पड़ जाता है। एक बार राजा शिकार करने जंगल आते हैं। मोती जंगल में राजा को आते हुए देख लेता है और जंगल में राजा को आते हुए देखकर वह छुपकर राजा के अकेले पड़ जाने का इंतजार करता है। जब सारे सिपाही इधर उधर थोड़े भटक गए, ये भटक क्या गए, राजा को प्यास लगी और राजा के पानी का इंतजाम करने सिपाही इधर उधर पानी ढूंढने लगे, राजा अकेला पड़ गया। उस वक्त मोती ने राजा पर हमला कर दिया क्योंकि मोती को बहुत गुस्सा आया था राजा पे। पहले तो उसने घमंड करके उस गलत काम किया, अपने महावत को मार डाला और बाद में गुस्से में आके राजा पर ही आक्रमण कर दिया। जब मोती ने राजा पर हमला कर दिया, इतने में सारे सिपाही लौट आए और सिपाहियों ने राजा की जान बचा ली। मोती डरकर वहां से जंगल की तरफ भाग गया। राजा साहब जब वापस लौट कर अपने राजमहल पहुंचे तो उन्होंने राज्य में ऐलान करा दिया कि जो भी मोती हाथी को पकड़कर जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सारे लोगों में ये बात फैल गई कि जिसने राजा पर हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, उसको कौन पकड़ने जाए। जिस महावत को मोती ने मारा था, उस महावत का एक बेटा था, उसका नाम था मोटली। वो सिर्फ 8 साल का बच्चा था पर था बहुत वीर। तो उस बच्चे ने आकर कहा राजा साहब को कि मैं पकड़ कर लाऊंगा मोती हाथी। वो गया जंगल और जंगल में जाकर एक पेड़ की के ऊपर चढ़कर छिप पर बैठ गया और जब मोती जंगल से बाहर निकला तो वह पेड़ से उतरा और मोती के सामने गया। मोती ने जैसे ही मुरली को देखा वह उसे पहचान लिया और उसे, क्योंकि मोती मुरली को पहले से जानता था और उसे प्यार भी करता होगा, तो उसने मुरली को उठाकर अपने मस्तक पर बिठा दिया और मुरली ने भी प्यार से उसे सहलाया और फिर मुरली मोती को वापस राजमहल लेकर आया। और वापस लेकर आने की वजह से राजा साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने मोती को भी माफ कर दिया। मोती फिर से राजा साहब की खास सवारी बन गया और मुरली को उन्होंने अपना महावत घोषित किया और मुरली को 1,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। तो मुरली की वीरता साबित हुई, घमंड नहीं करना चाहिए यह सीख मिल गई। किसे? मोती हाथी को। और मोती को क्या सीख मिली? क्रोध करना बुरी बात है। हम सबको भी मोती के साथ यह सीख मिली कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और मुरली की तरह हमें भी अब सभी जानवरों के प्रति, दूसरे नहीं सभी जानवरों के प्रति बहुत प्रेम का भाव रखना चाहिए। तो मुरली को तो गुस्सा आना चाहिए था ना, क्योंकि उसके पिता की मौत का कारण था मोती हाथी, पर मुरली ने तो ऐसा नहीं किया। तो मुरली ने हमें क्या सीख दी कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चाहे कोई किसी के साथ बुरा भी व्यवहार करे, फिर भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए बदले में उनके साथ। तो इस कहानी का सार आपने समझ लिया। हाथी के विषय में हमने जाना, हमने यह भी जाना कि हमें सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में भी हमने जाना, क्यों बंद करा दिया गया हाथी का परेड में शामिल होना, यह भी हमने जाना। तो इस भाग में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ नई बातें जानी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इस भाग का गृह कार्य यानी होमवर्क आपका यह है कि आप इस पाठ 5 पागल हाथी पाठ के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। आइए इस भाग में हम शब्दार्थ को जानें, शब्दार्थ का उच्चारण करें एवं शुद्ध शुद्ध लिखने का अभ्यास करें। खास, विशेष, शुद्ध, होश, महावत, हाथी चलाने वाला,
या हाथीवान, आड़, ओट, पर्दा, लालच, लोभ, थपकी, हथेली से थपथपाना, सवारी, वह चीज़ जिस पर सवार हुआ जा सके, पदवी, उपाधि, ओहदा, रौंदना, कुचलना, मस्तक, माथा या आगे का सिर। तो ये आपने जाना शब्दार्थ। आपको इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना है।